हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे विशेष सत्र में, जिसका शीर्षक है नए साल का स्वागत नए आपके द्वारा। हम लोग सोचे कि गीतामृत में जो हम लोग श्रृंखला प्रारंभ किए हुए हैं, तो नया साल प्रारंभ हुआ है तो नया कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों को जो विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, न तो कोई संसार में बहुत हैप्पी है, न कोई कुछ नया कर रहा है, और साल तो चलते ही जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को नए साल की 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं, कृष्ण भावना भावित। और जब भी नया साल आता है, एक वैष्णव कैलेंडर की तिथि से यदि हम देखते हैं तो उसका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वैदिक कैलेंडर, खास करके जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम लोग हैं, उसमें जो है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जब से हुआ उस समय से नया साल माना जाता है, जिसे गौराब्द कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमें पता है कि लोगों को जो है वो अलग अलग, जैसे बाहर संसार में लोग बहाने ढूंढते रहते हैं, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। एक बार एक पतिदेव 31st के नाइट को पत्नी को SMS भेजते हैं, मेरा लास्ट पैक चल रहा है, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, यदि नहीं पहुंचा तो यही मैसेज पुनः पढ़ लेना। तो लोग जो इस प्रकार से 31st सेलिब्रेशन का अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के, और काफ़ी सारे महोत्सव मनाने के, तो उसी प्रकार से वो भी मौका ढूंढते हैं, और भगवान के जो भक्त है वो भी मौका ढूंढते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो कृष्ण भक्ति को हमारे दृढ़ करें, आगे बढ़ाए, और हमारे जीवन में किस प्रकार से सुधार ला सके। तो बहुत बार भक्त या सब लोग नए साल का रिजोल्यूशन लेते हैं। आप लोगों ने सुना होता न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। एक ऑस्कर वाइल्ड ब्रिटिश फिलोसोफर है, उन्होंने एक वाक्य लिखा है, वो कहते हैं कि गिविंग अप स्मोकिंग इज वेरी इजी, आई हैव डन इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। मतलब स्मोकिंग छोड़ना बहुत आसान है और मैंने हजार बार छोड़ चुका हूँ, मतलब वापस जो है वो पकड़ लेते हैं हैबिट। तो नए साल के रिजोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, लेकिन वो जो है वो एक तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक चल पाते हैं, फिर उनका जो है वो लाइफ कम हो जाता है और वो डिसोल्यूशंस बन जाते हैं। सो रिजोल्यूशंस टर्न इनटू डिसोल्यूशंस। तो हमने सोचा कि ये एक ऐसा थीम ले, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भगवान के भक्त है वो भगवान की सेवा में हर बार उन्नति या बढ़ोतरी लाना चाहते हैं। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे प्रमोशन की अपेक्षा होती है कि मेरा प्रमोशन हो। भक्ति में तो ऐसा प्रमोशन दिखाई नहीं देता है, पहला प्रमोशन होता है दास, उसके बाद होगा दासानुदास, तो ये प्रमोशन भक्ति में होता है। लेकिन फिर भी जो है वो हमारी चेतना को उन्नत करने के लिए अच्छी आदतों को डालना शुरुआत से बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अपने आप में बदलाव लाना इसके लिए एक बहुत सुंदर संकल्पना जो है वो दी गई है। आप लोगों ने ये नाम सुना भी होगा, काइजन। जब मैं HL में जॉब के लिए जाता था तो वहाँ पे ये Sukhoi 30 का जब प्रोडक्शन शुरू हुआ था HL में, तब उन्होंने ये काइजन टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS टूल्स के अंडर ये आता है, उसमें उन्होंने लाया था। इसका अर्थ है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। तो जो काई शब्द है उसका अर्थ है चेंज, बदलाव लाना, और जेन शब्द है चेंज फॉर गुड, एक अच्छे के लिए अपने आप में बदलाव लाना। तो ये काइजन जो है वो कंपनी में लगाते हैं लोग कि किस प्रकार से हमारी कंपनी का प्रोडक्शन दर्जा अधिक बढ़े ताकि हम लोग ज़्यादा लोगों को संतुष्ट कर सकें। तो उसी प्रकार से यही काइजन हम लोग हमारे जीवन में भी लागू कर सकते हैं। हम देखते हैं संसार में लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, कुछ भी चीज़ यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, नीचे आ जाती है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो केवल वस्तुओं के ऊपर काम नहीं करता, वो हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर भी काम करता है। कैसे, हम कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं,
यदि हम उससे और ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगे तो और नीचे चले जाएंगे। जैसे पानी है, पानी जो है वो ऊंचे लेवल से जो है वो हमेशा निचली लेवल की ओर बहता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो उसी प्रकार से हम जो सिद्धांतों का, जो नियमों का पालन करते हैं, वो ऊंचे सिद्धांत से यदि उसे और ऊंचा लेके जाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो भी नीचे चले जाने लगते हैं। वी डिग्रेड इन अवर स्टैंडर्ड्स। तो उसे ऊपर उठाए रखना, उसके लिए प्रयास लगता है, सही है। पानी को ऊपर से नीचे आने के लिए आसानी से हो जाता है, लेकिन यदि उसे नीचे से ऊपर के फ्लोर में लेके जाना है तो क्या करना होगा, पंप बिठाना होता है हमें। तो पंप उसे ऊपर लेके जाता है, उसे एनर्जी देनी पड़ती है, हॉर्स पावर का पंप होता है। तो उसी प्रकार से हमारे स्टैंडर्ड्स जो है उसे और बढ़ाने के लिए हमें कुछ एनर्जी डालनी होगी, कुछ शक्ति डालनी होगी। तो शक्ति किस प्रकार से हम लोग डाल सकते हैं उसकी चर्चा हम लोग जो है वो आज करने वाले हैं। और भगवान के कई सारे भक्तों के उदाहरण हम लोग देखते हैं, वो लोग भी अपने स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे बढ़ाने का उन्होंने अपने जीवन में प्रयास किया। उदाहरण के रूप में यदि हमें देखना है तो श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज इनका उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज नारद मुनि के उपदेश के अनुसार जब तपस्या करने के लिए मधुवन में जाते हैं तब उन्होंने इस प्रकार से तपस्या की कि 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, भगवान को हासिल कर लिया। तो जब उनकी तपस्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती थी, उनकी तपस्या सुनेंगे तो हम लोग हैरान हो जाएंगे। पहले 3 दिन में वो केवल फल खाया करते थे कुछ, तो उसके पश्चात 6 दिन बाद रुके सूखे पत्ते, उसके पश्चात 9 दिन बाद केवल जल, उसके पश्चात 12 दिन बाद केवल हवा, और उसके पश्चात हवा भी बंद कर दिया उन्होंने 5वें महीने में। और फिर 6ठे महीने में हम देखते हैं भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। तो इसका कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप नया साल का रिजोल्यूशन ऐसा ही लो कि लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स अपना बढ़ाते जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में भी उदाहरण आता है, चैतन्य महाप्रभु के बड़े पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी इनका, वो भी इसी प्रकार से अपना स्टैंडर्ड भक्ति का जो है बढ़ाते जाते। तो कितने भक्त जो अपने भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाना। तो आज का जो सत्र है उसमें ऐसे हम लोग व्यावहारिक आयाम देखेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स जो हमारे जीवन में हमारे भक्ति के स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाने के लिए, या जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये सेमिनार में खास करके जब कॉर्पोरेट्स में या स्टूडेंट्स को जब लेता हूँ, मैंने सोचा कि भक्तों को भी जो इसका थोड़ा बहुत लाभ मिले तो अच्छा होगा। तो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं, जर्नी ऑफ मास्टरी नेवर एंड्स। मैं और कुछ अच्छा करूँ, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसमें और भी जो है वो अच्छाई लाई जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है इसे। तो जो अच्छे का प्रवास है वो हमारी अच्छी आदतों से शुरू होता है। सबसे पहले हम आदतों को बनाते हैं, बाद में आदतें हमें बनाती है। फर्स्ट वी मेक अवर हैबिट्स एंड देन अवर हैबिट्स मेक अस। मतलब गंतव्य स्थान जहां पर हमें जाना है वहां पर हमें हमारी आदतें ही लेके जाने वाली है। तो इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि कैसी आदतों को हम लोग डाल रहे अपने जीवन में। और आदतें डालना इतना आसान नहीं होता है। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस जो लोग लेते हैं कई बार, तो उनको आदत में परिवर्तित करने के लिए बहुत समय लगता है, या कई बार जो बुरी आदतें लगी हुई है उसे छूटने के लिए भी बहुत समय लगता है। मानते आप जो बुरी आदतें लगी हुई है इतनी जल्दी नहीं छूटती है, फिर वो कौन सी भी हो। इसलिए हैबिट्स के बारे में कहा जाता है कितना महत्वपूर्ण है अपनी आदतों के ऊपर गौर करना एक व्यक्ति के जीवन में। सो अ थॉट बिकॉज इट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन इट रीप्स अ हैबिट, सो अ हैबिट इट रीप्स अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर इट रीप डेस्टिनी। तो हमारा गंतव्य स्थान कहाँ पे जाने वाला है वो इन श्रृंखला के ऊपर आधारित है। सबसे पहले हमारे विचार, उसके बाद हमारी कृति बनती है हमारी आदतें, हमारी आदतें बनती है हमारा चरित्र, और हमारा चरित्र निर्धारित करता है कि हम लोग कहाँ पे
पहुंचने वाले हैं, हमारा गंतव्य स्थान। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री गौरनिताय ललिता विशाखा देवी की जय। तो ये जो बुरी आदतें हमें लगी हुई है, कौन सी भी है, तो जब हमें नई आदतें एक तो डालना है और बुरी आदतों से छुटकारा पाना है, तो कई कई सारी आदतें हो सकती है। अच्छी आदत ले सकते हैं हम लोग, सुबह जल्दी उठना है। बुरी आदत फिर उसी के हिसाब से रात, मतलब रात को जल्दी सोना है, रात को लेट सोने की बुरी आदत है तो उसे भी बदलना है। कुछ लोगों को ओवर ईटिंग की बुरी आदत होती है कि नियंत्रण ही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा होता है बहुत बार। तो कई सारी आदतें हो सकती है। कोई कहे कि मुझे रीडिंग जो है मेरा बहुत वीक है, कमज़ोर है, उसे मैं सुधारना चाहता हूँ, उसे मैं बढ़ाऊँगा, तो वो एक अच्छी आदत हो सकती है। कोई कहे कि मैं दूसरे में हमेशा दोष दृष्टि रखता हूँ, उसे मुझे बदली करना है, मुझे निर्दोष दृष्टि से सबको एक दृष्टि से देखना है, वो एक अच्छी आदत हो सकती है। वैसे कई सारे अच्छी आदतों की यादें हम लोग जो है वो बना सकते हैं। आप लोगों ने 31 दिसंबर को बनाई भी होगी शायद, तो वो आदतों को हम लोग पालन करने का जितना प्रयास करेंगे उतनी आदतें हमें परेशान भी करती है, बुरी आदतें। इसलिए कहा जाता है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, इतनी जल्दी बुरी आदतें नहीं जाती हैं। तो इसलिए जब पहले से ही हम लोग ध्यान में रखें कि उदाहरण के तौर पे जब हमें करना है, तो सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि यदि पहले से ही हमें बुरी आदत लगी हुई है कि डिस्ट्रैक्टेड जब करना या जब के समय विचलित रहना, ध्यानपूर्वक जब नहीं करना, ये भी एक बुरी आदत है, वह यदि हमें लगी हुई शुरुआत से, तो उसे भी तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही ध्यानपूर्वक जप करने की आदत हम लोग डालते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा चरित्र बन जाएगा और वो हमारा गंतव्य स्थान निर्धारित कर सकता है। इसलिए हमारी बुरी आदतें किस प्रकार से जल्दी छूटती नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा ये क्लिप है, स्पेस एंटर करने के लिए वो यहाँ पे घुमाते थे, तो वही बुरी आदत जो है वो कंटिन्यू हुई उनके कंप्यूटर पर भी। तो इस प्रकार से बुरी आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं है हमारी, तो उनसे छुटकारा पाना, उसके लिए कई बार हम लोग फिर ऐसे कुछ मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं उसको सुन लेते हैं, फिर प्रेरणा गैदर कर लेते हैं, लेकिन वो जो प्रेरणा मिलती है उससे शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए हमें आदत उसे बनाना ही होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मोटिवेशन इज वॉट गेट्स यू स्टार्टेड, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, हैबिट इज वॉट कीप्स यू गोइंग, आगे जाने के लिए हमें क्या, ये आदतें ही हमेशा मदद करती है। लेकिन ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस। हम लोग कई बार कई सफल लोगों के उदाहरण देखते हैं या कई अकम्प्लिशमेंट्स होते हैं लोगों के, तो जब हम देखते हैं तो प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके पीछे जो है उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है उसे हम लोग नहीं देखते। सब लोग किसकी चर्चा करते हैं, उनकी सफलता की हर कोई चर्चा करता है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितना जो है वो अपनी आदतों को बदला हुआ है, कितनी प्रैक्टिस की है, उसके पीछे कोई नज़र नहीं डालता। तो हमें जो है वो ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये सबसे पहले समझ लेना होगा। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जब यहाँ पर आए थे नासिक में, आपको याद होगा 4-5 साल हो गए शायद ज़्यादा, तो उनको भक्त ने प्रश्न पूछा था कि आप इस स्तर पर अभी पहुंचे हुए हैं, इसका सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि जो भी शुद्ध भक्त होते हैं वो शुद्ध भक्त जन्म लेते ही शुद्ध भक्त नहीं होते, या जो भी कोई है, प्रह्लाद महाराज इज नॉट प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज बिकेम प्रह्लाद महाराज, ऐसा हो कहे कि जो हम लोग जो उदाहरण लेते हैं बड़े बड़े, वो है नहीं, वो बने हुए हैं, तो उसके लिए उन्होंने उतने प्रयास किए हुए हैं। ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन मिला, वो चित्र हम लोग मिल जाता है, लेकिन ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की उसका चित्र नहीं हम लोग जो है वो रेखांकित कर पाते। तो इसलिए हमें जो है वो ओवरनाइट सक्सेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और बहुत बार हम लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं कि मुझे जो है वो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट करना है, मुझे जो है वो चैतन्य चरितामृत कंप्लीट करना है पढ़ के। तो ये जो बड़े बड़े गोल हम लोग रखते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत क्या करनी होगी आज मेरे दिन में, उसकी तरफ हम लोग गौर करना भूल जाते हैं। तो इसलिए
ये कहा जाता है कि फोकस ऑन द प्रैक्टिस नॉट ऑन द परफॉर्मेंस। जैसे कोई बहुत सुंदर तरीके से मृदंग बजा लेता है तो एक परफॉर्मेंस कर सकते हैं अच्छा सा, लेकिन हम लोग यदि उसी के ऊपर केवल ध्यान केंद्रित करें तो उससे हम लोग सीखने वाले नहीं है। तो हमें किसके ऊपर गौर करना पड़ेगा या ध्यान देना होगा? प्रैक्टिस की ओर हमें जो है वो ध्यान देना होगा। इसमें एक बहुत सुंदर कहावत है इंग्लिश में, ग्लैडवेल कहते हैं, प्रैक्टिस इजंट द थिंग यू डू वंस यू आर गुड, इट्स द थिंग यू डू दैट मेक्स यू गुड। समझ में आया होगा आपको, प्रैक्टिस क्या है? आप अच्छे बनने के बाद कुछ चीज करते वो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस वो चीज है जो आपको अच्छा बनने में मदद करती है, जो आपको अच्छा बनाती है, उसे जो है वो हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं। इसलिए मुझे अभी भी याद है जब 2014 की इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी जब पंतप्रधान बने थे, तो टीचर्स डे 5 सितंबर 2014 में एक लड़की ने उन्हें प्रश्न पूछा था कि क्या आपने कभी सपना देखा था कि आप पंतप्रधान बनेंगे? तो उन्होंने जवाब में कहा था, बेटा जिंदगी में कुछ बनने के सपने मत देखो, कुछ करने के सपने देखो, करने के सपने देखो। तो नॉट ऑन परफॉर्मेंस बट ऑन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के ऊपर हमें ज़्यादा जोर देना है कि हमें क्या करना है, न कि हमें क्या बनना है। और जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में है, बाकी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो जो हमारे नियंत्रण में है उसके ऊपर अब जो है हम लोग काम कर सकते हैं। इसलिए और एक सुंदर कहावत है, ऑलमोस्ट एवरी हैबिट दैट यू हैव आइदर गुड और बैड इज द रिजल्ट ऑफ मेनी स्मॉल डिसीजंस ओवर टाइम। कई जो अच्छी भी आदत है या जो बुरी भी आदत है वो एक दिन में नहीं लगी हुई है। उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक शराब से आसक्त है, पियक्कड़ जिसे हम लोग कहे, वो एक दिन में इतना बड़ा पियक्कड़ नहीं बनाए। वो शुरुआत में एक पैक लेता होगा, उसके पश्चात धीरे धीरे किसी के संग में आके दो किया होगा, तीन किया होगा। तो ऐसे तो ओवरनाइट बैड हैबिट भी नहीं लगती है और ओवरनाइट गुड हैबिट भी नहीं लगती है, ये सिद्धांत हमें समझ लेना है। तो एक पल पल पर हमारे जीवन में हर दिन हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं एक एक, वो हमारी अच्छी या बुरी आदत जो है वो तय करते हैं। द स्मॉल डिसीजंस यू मेक ईच डे प्रोवाइड अ लार्ज सक्सेस यू डिजायर लेटर। जो हम लोग छोटे छोटे डिसीजंस हमारे जीवन में लेते हैं वो हमारे जीवन में आगे जाके हम लोग कौन बनने वाले हैं वो निर्धारित करते हैं। इसलिए हर पल पर जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, छोटे छोटे कितने भी छोटे क्यों ना हो, बहुत छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए बहुत सुंदर कोट है, अ ग्रेट लाइफ इज नॉट अबाउट ग्रेट ह्यूज थिंग्स, इट्स अबाउट स्मॉल थिंग्स दैट मेक अ बिग डिफरेंस। ग्रेट लाइफ हमें क्या लगता है कि इट्स अबाउट ग्रेट ह्यूज सक्सेस, कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लेना वो एक ग्रेट लाइफ है, लेकिन ग्रेट लाइफ वो ग्रेट लाइफ नहीं है। ग्रेट लाइफ क्या है? स्मॉल थिंग्स दैट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस और ग्रेट इम्पैक्ट, छोटी छोटी चीज़ें। इसलिए हम लोग बचपन में जब न्यूज़पेपर मराठी देखा करते थे उसमें आता था, जाहिरात छोटी किमया मोटी, आप लोगों ने सुना होगा। तो छोटा सा होता है लेकिन उसकी किमया जो है वो बड़ी होती है, उसका इफेक्ट बड़ा आता है। और ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर हम लोग गौर करें हमारे जीवन में भी, तो बाद में बड़ा रिजल्ट हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए एक थ्योरी दिया जाता है, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। क्या है ये? एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। तो ये किसकी संकल्पना है? ये है ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन की साइक्लिस्ट टीम, जिनका नाम है टीम स्काई। तो इनका सिलसिला ऐसा हुआ कि ये टीम स्काई टीम जहाँ पर भी हिस्सा लेते थे वो हार जाते थे, और 2010 तक उन्होंने एक भी मेडल या एक भी टूर्नामेंट जीता नहीं था। और एक टूर्नामेंट है जिसे कहते हैं टूर दी फ्रांस, जो साइक्लिस्ट लोग उसे तय करते हैं वो दूरी, तो टूर दी फ्रांस अभी तक इन्होंने जीता नहीं था। तो एक व्यक्ति था, कोच, उनको अपॉइंट किया गया और उन्हें कहा कि आपको ये पैटर्न अभी बदली करना है, इनको जिताना है। उसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड।
तो इस डेव ब्रेल्सफोर्ड को कहा गया है, चैलेंजिंग टास्क था, अभी तक जीते नहीं है, उनको जिताना है। ब्रेल्सफोर्ड ने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हम इसे सिद्ध कर देंगे, और उन्होंने ये सिद्धांत को अपनाया, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। ये सिद्धांत क्या है, 1% इंप्रूवमेंट इन एवरी एरिया। क्या है सिद्धांत, 1% इंप्रूवमेंट इन एवरी एरिया। तो साइकिलिंग से रिलेटेड जितने एरियाज थे उसमें उन्होंने बदलाव लाना शुरू किया। फिर साइकिल के टायर के अंदर कितनी हवा होनी चाहिए, जो सीट के ऊपर जो राइडर बैठता है उसका एंगल कितना होना चाहिए, उनके खाने में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये सब तो इनकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक ब्रेल्सफोर्ड रुके नहीं, उसके बाद और आगे जाके कौन सी पिलो होनी चाहिए जिसके ऊपर इन लोगों का नींद अच्छे से हो, नाश्ते में उन्होंने क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए, उनके एक्सरसाइज का पैटर्न क्या होना चाहिए, इस हद तक मसाज करने के लिए उनका ऑयल कौन सा होना चाहिए, मतलब है ना हेयर ऑयल कौन सा होना चाहिए, यहां तक ब्रेल्सफोर्ड बारकई में गए। और वो गए कि ये स्ट्रैटेजी यदि मैं इसका अवलंबन करता हूं तो 5 साल में हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन वो गलत साबित हुए, वो 3 साल में जीत गए। 2012 के टूर दी फ्रांस के विनर ये टीम स्काई के ही मेंबर्स थे। 2012 के ओलंपिक्स जो थे उसमें 70% गोल्ड मेडल ये टीम स्काई टीम लेके आई थी। तो इसमें सिद्धांत क्या है समझने जैसा, कि छोटे छोटे बदलाव जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि हम लोग अपनाते हैं तो उसका परिणाम कुछ समय पश्चात बहुत बड़ा हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। हैबिट्स वर्क लाइक कंपाउंड इफेक्ट, जैसा मनी पैसा जब हम लोग बैंक में डालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। आज मैंने 100 रुपया डाल दिया, 100 रुपये का इंटरेस्ट आएगा 10 रुपया, कल्पना कीजिए, तो अगला जो है वो 110 के ऊपर इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और बाद में मिलने वाली धनराशि बहुत अधिक होती है। उसी के सिद्धांत पे पूरा म्यूचुअल फंड का जो है वो आविष्कार हुआ है। आज कुछ डाल दीजिए, 25 साल बाद इतना आपको मिलेगा। तो ये छोटे छोटे सिद्धांत सकारात्मक दृष्टिकोण से भी काम करते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण से भी काम करते हैं। इसलिए जब हम 1% इंप्रूवमेंट और 1% डिक्लाइन इसे कहते हैं, थोड़ा सा बदलाव सकारात्मक इंप्रूवमेंट यदि हम करते हैं या 1% थोड़ा नीचे भी जा रहे हैं, शुरुआत के समय में कुछ लगता नहीं है, कुछ फर्क हो रहा है या कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में जो है वो परिणाम पूरा विपरीत हमारे सामने आता है। यदि हम लोग हमारा जप भी यहां पे ले, वो शुरुआत का बिंदु, ऊपर जाने वाली लाइन है ध्यानपूर्वक जप, नीचे जाने वाली लाइन है जो है वो विचलित जप। तो जो विचलित जप और ध्यानपूर्वक जप में शुरुआत में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि अरे मेरा विचलित हो रहा है, ध्यानपूर्वक मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जो है वो उसका डेस्टिनेशन डिफरेंस पता चलता है कि अरे मैं कहाँ पहुंचा, मुझे कहाँ पहुंचना था, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। कुछ फ्लाइट्स के बारे में भी ऐसा रिसर्च किया था, एक फ्लाइट यदि केवल 1 डिग्री चेंज करे अपना कोर्स, 1 डिग्री भी चेंज करती है तो गंतव्य स्थान बहुत जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए ये जो एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स है, इसका सिद्धांत बहुत ही सरल और आसान है। छोटे छोटे हमारे जीवन में छोटे छोटे पहलुओं के ऊपर काम करना शुरू करना है और थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना है। यदि मैं आपको पूछूं 1 × 1 = how much, 1 × 1 × 1 × 1, 1 to the power 365, 1 बराबर है, 1 to the power 365 = 1, 1.01 to the power 365 1 आएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर यदि है तो हम लोग उसमें कर सकते हैं। मैं आपको जवाब बता देता हूं, उसका जवाब है 37.78।
कितना प्रतिशत बदलाव लाया हमने, 0.01। और वो 365 क्या बताता है, हमारे साल के दिन। तो यदि 0.01 से भी परसेंट से भी हम लोग बदलाव हमारे जीवन में लाते हैं लंबे समय तक, तो उसका परिणाम देखिए कितना होता है, 1 to the power 365, 1 था हमारा आंसर। लेकिन 1.01 केवल किया है तो उसका आंसर है 37.78, और उसके विपरीत भी सत्य है, 0.99 to the power 365। अभी 0.01 से कम किया है, उसका आंसर आता है 0.03। तो इतना नेगेटिव में जा रहा है। तो ये है, सिद्ध करता है कि केवल एक साल तक एक अच्छी आदत, यदि हम छोटी सी एक अच्छी आदत कंटिन्यू करते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट एंड में मिल सकता है। और वही छोटी सी कोई बुरी आदत है वो कुछ समय के लिए यदि हम कंटिन्यू करते हैं हमारे जीवन में, उसका भी बहुत बड़ा घातक परिणाम हमें सहन करना होगा हमारे जीवन में। तो इसलिए कहा जाता है, अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हमारा क्या होता है कि हम लोग 1000 miles देखते रहते हैं और परेशान होते हैं, शुरू करूं कि नहीं जर्नी, शुरू करूं कि नहीं करूं, इतना बड़ा है कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, हम आशाहीन हो जाते हैं। लेकिन क्या कहा गया है कि इतना दूर मत देखो, नजदीक क्या है, एक कदम तो मैं चल सकता हूँ, एक कदम चलो बाद में सोचो, तो एक स्टेप तो लेना चाहिए हमें। और ऐसे इस प्रकार से छोटे छोटे बदलाव के लिए एक और सुंदर उदाहरण है। तो ये उदाहरण आता है, यह है माइलो ऑफ क्रोटॉन। आप देख रहे होंगे वो व्यक्ति शेर के साथ जो है वो लड़ाई कर रहा है। 2500 साल पहले ईरान के एक जंगली क्षेत्र में एक आदिवासी कम्युनिटी का एक व्यक्ति, उसका नाम था माइलो, माइलो ऑफ क्रोटॉन। तो ये माइलो बहुत ही शक्तिशाली था, वो शेर के साथ लड़ाई कर सकता था। एंशियंट ग्रीस के समय में जो ओलंपिक्स हुआ करते थे उसमें वो 6 साल लगातार चैंपियन, कितने सारे गोल्ड मेडल वो ले चुका था। उस समय ओलंपिक्स तो नहीं था, लेकिन जो ग्रीस में जो गेम्स हुआ करते थे उसमें वो हमेशा, जो कुश्ती खेलने वाला है उसमें हमेशा टॉप रहता था। वो इतनी शक्ति थी उसके अंदर कि 10 लोगों को वो भारी होता था। हम लोग जैसे कहते भीम आदि, 10,000 हाथियों का बल उनके अंदर होता था। तो इसी प्रकार से इसमें बहुत बल था। तो इसको पूछा गया कि आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई है, इतना बल कैसे आया हुआ है, तो उनकी स्टोरी सुनना चाहेंगे आप? तो वो इतनी शक्ति उनमें कहाँ से आई थी, तो जहाँ पर माइलो रहते थे वहाँ पर एक गाय के बछड़े ने जन्म दिया था, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था, गाय ने छोटा बछड़े को जन्म दिया हुआ है। तो उसने क्या किया, वो छोटे बछड़े को उठाया, अपने कंधे पर रखा और कुछ शेर करा के वापस लेके आया, वापस रख दिया। दूसरे दिन माइलो वापस आता है, पुनः बछड़े को उठाता है, 1 किलोमीटर की सैर करा के वापस लेके आता है। ऐसा उसने 4 साल किया। अभी आपको इतना अचंभा नहीं लग रहा होगा, 4 साल में गाय का बछड़ा कितना बड़ा हो जाता है। जो हमारा किशोर था ना यहाँ पे, जिसे हमने दूसरे गांव भेजा है, वो 5 या 6 साल का था शायद। तो इतना बड़ा टन्स में उनका वजन हो जाता है 4-5 साल में ही, केवल बहुत टन्स में, मतलब 1000 किलो उनका जो वजन बढ़ जाता है। कई कई गाय ऐसे होते हैं। तो ये माइलो से हम लोग 3 सिद्धांत सीख सकते हैं हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो क्या है उसका 3-point success formula? सबसे पहला माइलो से हम लोग सीख सकते हैं, स्टार्ट स्मॉल, छोटी से छोटी चीज से लेके प्रारंभ करो। माइलो ने डायरेक्ट बैल को उठाया नहीं, उसमें उतनी शक्ति भी नहीं होगी डायरेक्ट बैल को उठा सके। तो हम लोग भी कभी कभी जो है वो बहुत बड़ा चीज देख के डर जाते हैं या उठाने का प्रयास करते हैं। सुबह 8 बजे उठने की आदत है, 31 को हम लोग प्रण ले लेते हैं कि कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। अरे स्टार्ट स्मॉल, ये पहला सिद्धांत है। आप लोगों में से कई यदि जिम में गए होंगे तो जिम में भी जो है वो पहले जो है वो छोटे छोटे 2.5 किलो
3 किलो 5 किलो के छोटे छोटे वजन देते उठाने के लिए। फिर उसके बाद वो धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, तब जाके व्यक्ति के मसल्स बिल्ड होते हैं। उसी प्रकार से कुछ नई चीज हमें करना है तो शुरुआत छोटी सी चीज से जब हम करते हैं तो फायदा होता है। दूसरा सिद्धांत माइलो बताता है कि डू इट एवरी डे। ऐसा नहीं कि माइलो अभी जा रहा था और जब बर्थडे है उसका तब उठा के घुमा के लेके आता था, हर बर्थडे को नहीं, वो हर रोज किया करता था, एवरी डे वो उठाता था और घुमा के लेके आता था, इससे उसका स्ट्रेंथ बना। और तीसरा सिद्धांत माइलो से हम लोग सीख सकते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन व्हाट वी विश टू चेंज। जो गाय का बछड़ा था उसका वजन दिन ब दिन कितना बढ़ता होगा, कुछ ग्राम्स, औंस हियर और पाउंड देयर, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उसका वजन बिल्कुल ग्राम्स में बढ़ता होगा, लेकिन वो अननोटिसेबल चेंज था। तो उसी प्रकार से जो भी हमें बदलाव लाने के लिए जो क्षेत्र हम लोग चयन करते हैं, कोई भी हो, फिर वो मेमोराइजेशन ऑफ श्लोकाज हो या रीडिंग हो, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से छोटी शुरुआत करनी है, उसे नित्य रूप से हर रोज करना है और धीरे धीरे फिर हम लोग बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और एक आदमी का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप जानते नहीं होंगे शायद इस आदमी को, इसका नाम है जयदेव पेयंग, आसाम में गांव है जहां पर ये व्यक्ति रहते थे। हुआ यूं कि कुछ स्कूलिंग के लिए वो गांव से थोड़ा बाहर गए थे, 10वीं कक्षा में थे, वो अपने जन्म स्थान गांव में वापस आते हैं। तो जब गांव में वापस आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सूखी जमीन है और लगभग 100-150 सर्प ऐसे ही मरे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, तो लोगों ने कहा कि जो है वो यहाँ पे वृक्ष ही नहीं है। तो उसने बगल वाले गांव में जाके पूछा कि क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या हो सकता है यदि हमें इन सर्पों को बचाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, पेड़ लगाने पड़ेंगे, जंगल होना चाहिए, तब जाके जंगल में फिर पशु पक्षी आते हैं, पशु पक्षी रहेंगे तो उनके अंडे होंगे, उनके पक्षी होंगे, फिर वो सर्प के लिए खाद्य मिलेगा और उनकी तादाद बढ़ सकती है। तो उन गांव वालों ने अपना ज्ञान तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसे कहा कि ये लो 50 बीज और थोड़े से बांबू के वृक्ष दिया और भेज दिया उसे अपने गांव। तो ये व्यक्ति पेयंग वापस अपने गांव में आता है, उसने प्लांटेशन शुरू किया। ये घटना है 1978 की, तो 1978 में इसने शुरू किया था, उसकी उम्र थी 16 साल। तो 16 साल की उम्र में उन्होंने प्लांटेशन शुरू किया, अकेला व्यक्ति, किसी का सपोर्ट नहीं है, केवल उपदेश लोगों ने दिया था और शुरुआत दिया था, स्टार्ट स्मॉल जो भी है हम लोग कह रहे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने उनका प्लांटेशन शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पानी वो डाला करते थे, कुछ वृक्ष बचते थे, कुछ चले जाते थे, लेकिन उन्होंने वो उपक्रम 36 साल तक लगातार शुरू रखा। कितने 36 साल तक लगातार शुरू रखा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1360 एकड़ का एक बहुत घना जंगल उन्होंने तैयार किया, अकेला व्यक्ति, हाँ अकेला व्यक्ति, किसी की मदद नहीं है। उसका यदि आप चाहे तो YouTube में उसका वीडियो भी, उसकी मुलाकात है, कि वो कहते कि लोग मुझे पीट रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहा है तू दूसरों की जमीन के ऊपर, क्योंकि जमीन उनकी खुद की नहीं थी, केवल नदी थी, नदी का तट का जो किनारा है वहां पर रहती है, वहां पर लगाता जाता था। 1360 एकर्स का घना जंगल जो है वो उन्होंने कर दिया। ये नोटिस किया गया, नोटिस करने के बाद जो है वो उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ये अवार्ड दिया गया। किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अर्थ डे के ऊपर उपलक्ष पर 2012 में उन्हें न्योता दिया और उन्हें ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ये अवार्ड इस पेयंग व्यक्ति को दिया। अकेला व्यक्ति, लेकिन छोटी छोटी चीजों को करते गया। केवल उनका लक्ष्य था कि 50 वृक्ष लगाते जाओ,
वो करते गए करते 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 गए हजारों एकड़ तक जमीन में उन्होंने जंगल बना दिया। और इतना ही नहीं, उसके पश्चात फिर सेंचुरी एशिया इन्होंने वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड भी इन्हें दिया। फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर सारे एनवायरमेंटलिस्ट एकत्रित हुए थे, उन्हें यहाँ पर जो 100 समाज पूरे विश्व के 100 लोगों को केवल न्योता था, उसमें से एक ये व्यक्ति थे जो केवल एक आदिवासी कम्युनिटी में रहने वाले व्यक्ति थे, उनको भी फ्रांस में जाने का मौका मिला था केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय क्या हो सकते हैं उसके उपलक्ष्य में। और इतना ही नहीं, 2015 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड माना जाता है, उससे जो है वो घोषित किया गया। तो ये ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयास किया। कितने साल तक चला? 36 साल तक उन्होंने जो वो एफर्ट्स किए। आज हम लोग वहाँ, आज लोग जाते हैं वहाँ पे पिकनिक के लिए, लोग जाते हैं जंगल देखने के लिए क्या है कैसा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो जब हम सोच लेते हैं कि जब हमें नई आदत डालनी है, तो जो भी आदत हम लोग डालते हैं उसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप पैटर्न है दैट एवरी हैबिट फॉलोज। क्या है ये पैटर्न? ये है 3 R, जिसे हम लोग कह सकते हैं रिमाइंडर, रूटीन एंड रिवॉर्ड। रिमाइंडर मीन्स द ट्रिगर दैट कैन स्टार्ट द हैबिट। हमारी आदत को शुरू करने के लिए वो रिमाइंडर हो सकता है। फिर हम लोग कुछ कृति करते हैं उस रिमाइंडर को लेके, वो हो गई हमारी आदत, हैबिट। और तीसरा, वो करने के पश्चात हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो हो गया रिवॉर्ड। तो वो रिवॉर्ड हमें मिलता है और वो रिवॉर्ड मिलने के पश्चात हम लोग याद रखते हैं कि इस रिमाइंडर ने मुझे मदद की थी मेरी नई आदत डालने के लिए, और वो साइकिल चलता रहता है। उदाहरण के तौर पे मोबाइल का रिंग बजना, ये हो गया रिमाइंडर। रिंग बजी वैसे ही फोन उठाना, ये हो गया रूटीन। और फोन पे बात करने के बाद लगता है कि किसी व्यक्ति से आपने अच्छा बात किया, वो हो गया रिवॉर्ड। उसके पश्चात क्या होता है कि जब भी फोन बजता है, रिंग बजती है, हम लोग तुरंत उठा लेते हैं। और वो गलत सिलसिले में भी लागू होता है। यदि कई बार हम लोग देखते हैं कि एक आधा दिन है ऐसा, उसमें बहुत सारे रॉन्ग नंबर के कॉल आ रहे या अननोन कॉल आ रहे, कुछ भी अनप सनप पूछ रहे, रिंग बजती है उठाते है वही फोन, रिंग बजती है उठाते है वही कुछ कंपनी का कॉल, तो बाद में रिंग बजता है तो क्योंकि रिवॉर्ड नहीं मिला है इसलिए फिर वो फोन उठाने की भी इच्छा नहीं होती। अभी क्यों उठाओ, ये क्या वापस परेशान कर रहा होगा कोई, समझ में आ रहा है आपको? तो ये रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड जो है वो चक्र चलता रहता है। तो हमें नई आदत भी डालनी है तो उसे इस चक्र में हम लोग डाल सकते हैं। कैसे डालना है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रिमाइंडर है वो हमें तय करने हैं। क्या हो सकता है? यूज द करंट हैबिट एज द रिमाइंडर फॉर योर न्यू हैबिट। जो पहले की जो हमारी आदत है उसी को पकड़ के हम लोग नई आदत डाल सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, ये मैं शिक्षाश्रम प्रभु से सीखा था नई आदत कैसे डालनी है। जैसे हम लोग एक बार बंबई जा रहे थे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी शुरू हुई, उन्होंने नरसिंह आरती गाना शुरू किया, फिर हम लोग सब लोग नरसिंह आरती गाए। फिर एक बार और एक बार हमें जाना था तो पुनः हम लोग बैठे, मैंने सोचा नरसिंह आरती गाएंगे लेकिन गाऊं कि नहीं गाऊं, वो सोचते सोचते प्रभु जी ने शुरू भी कर दिया नरसिंह आरती गाना। तो प्रभु जी ने नरसिंह आरती, तो वो फिर मैंने भी वो हैबिट बना दिया कि जैसे ही गाड़ी शुरू होता है नमस्ते नरसिम्हाय। तो पहला हैबिट है, जैसे सीट बेल्ट को भी इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठ गया, सीट बेल्ट लगा लिया, तो वो पुरानी जो हैबिट है उसे नई हैबिट के साथ जोड़ना है, क्योंकि नई हैबिट के लिए रिमाइंडर कुछ तो चाहिए ना। यदि उदाहरण के तौर पे आप सब लोग मेरे पीछे एक मंत्र बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी हमें क्या करना है? हमें यह आदत डालनी है
कि यह मंत्र का उच्चारण करते हुए करते समय मुझे पंचतत्व मायापुर के याद आने चाहिए। अभी अभी हमें याद नहीं आए होंगे, कुछ लोग आए होंगे कुछ लोगों को नहीं आए होंगे, तो मैंने क्या सोचा कि इसके लिए रिमाइंडर क्या है, जब हम काउंटर नीचे करते हैं जपमाला का, जपमाला का एक काउंटर नीचे किया जाता है मणि, तब मैंने ऐसा हैबिट डाला। मैं इसमें जो है वो मैं कुछ जो चीज़ें मुझे भी प्रैक्टिकली यूज हुई है मैं आपको ये साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे ही काउंटर नीचे किया, हाथ जोड़ के तुरंत मायापुर के पंचतत्व जिन्होंने दर्शन लिया होगा उनका स्मरण करना है। तो आप सब लोग अभी ये वापस कीजिए, हाथ जोड़िए। जो लोग मायापुर गए होंगे वो पंचतत्व के चरण कमलों को याद कर सकते हैं और बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। थोड़ा सा अंतर जाना आपने अभी, वो अंतर हुआ। तो उसके लिए ये हैबिट हमें डालना है। कल्पना कीजिए कि जो भी मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ मुझे उसका मंत्र के अर्थ के साथ लिंक करना है। तो उसके लिए रिमाइंडर क्या है, जैसे ही काउंटर नीचे किया हाथ जोड़ लिया, काउंटर नीचे किया हाथ जोड़ लिया, तो हम लोग प्रभुपाद प्रणति बोलते हैं, चैतन्य पंचतत्व मंत्र बोलते हैं और हरिकृष्ण मंत्र बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यदि कोई भी छोटी सी नई आदत हमें डालनी है, ध्यानपूर्वक जप करना है, ध्यानपूर्वक ये पंचतत्व मंत्र बहुत शक्तिशाली है। हरे कृष्ण मंत्र में जो है वो अपराध लग सकते हैं, वो अपराध का शोधन जो है वो इस मंत्र से होता है, पंचतत्व मंत्र से। या पंचतत्व की कृपा प्राप्त करने के बाद ही हम राधा और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम ये नया आदत क्या डाला है, ध्यानपूर्वक मंत्र का उच्चारण करना है। रिमाइंडर क्या लिया है हमने, कौन सा रिमाइंडर है, काउंटर नीचे करना, काउंटर नीचे करना का काउंटर नीचे हो गया हाथ जोड़ना चाहिए और तुरंत पंचतत्व का स्मरण करना है और फिर ये मंत्र का उच्चारण करना है। आप इसे पालन करके देख सकते हैं। तो ये हो गया करंट हैबिट, यूज इट एज अ रिमाइंडर, क्योंकि वो तो हमें करना ही है नीचे, हम लोग मैकेनिकल करते रहते हैं, लेकिन फिर ये नया आदत उसके साथ जोड़ दे, जैसे सोने के पहले ब्रश करना है, ऐसे दिन में कई सारी चीजें हम लोग करते हैं। इसलिए दो प्रकार की चीजें होती है रिमाइंडर, किसको चूज कर सकते हैं हम लोग, एक तो थिंग्स यू डू डेली, जो हम लोग डेली करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्लश करते हैं, सोते हैं, उठते हैं। तो जैसे मुझे याद है हमें बचपन में सिखाया गया था, जैसे ही स्नान करते पहला मग्गा सर के ऊपर जाता है तुरंत एक मंत्र का उच्चारण आज भी वो मुख से होता है, कौन सा, गंगे चयमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सिन्निधिं कुरु। जैसे ही पहला मग्गा जा रहा है वो आदत अभी भी कंटिन्यू है। तो जब हमने यहाँ पे सीखे आचमन के लिए, जब ब्राह्मण दीक्षा होने का तो मंत्र स्थापित जल करने के लिए सिखा रहे थे, बोला ये तो मंत्र हम लोग पहले से कर रहे हैं, तो वो आदत अभी भी है। और फिर कुछ लोग इस प्रकार से भी करते हैं, जब भी हम रात को बेड से उठ रहे हैं सुबह और जब पैर जमीन पे रख रहे हैं तुरंत जमीन के लिए क्षमा पृथ्वी देवी से मांगने का होता है। तो हैबिट क्या है, उठना ये ट्रिगर है और पैर रखना ये ट्रिगर है, उसके बाद तुरंत मंत्र का उच्चारण है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्ति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमास्वयम, क्षमा करो मैं आप मेरे पैर हे धरणी माता आपके ऊपर रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से हर एक चीज को हम लोग ट्रिगर बना सकते हैं, उसके साथ नई आदत जोड़ सकते हैं। तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो भी कुछ करते हैं उसके साथ नई आदत को हम लोग जोड़ सकते हैं, या फिर थिंग दैट हैपन टू यू, हमारे साथ कुछ घटनाएं होती है, हम लोग नहीं कर रहे लेकिन चीजें हो रही है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, तो कई वक्त लिंक करते हैं सूर्यास्त हो रहा है मेरा गायत्री का समय हो गया, तो सूर्यास्त के साथ गायत्री का समय लिंक कर दिया। आपको बताएं डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिंस, उसके पीछे एक विज्ञान भी है छोटा, लेकिन बड़ा विज्ञान जो है वो दूसरा है। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि मेडिसिन ये नाश्ते के बाद, ये लंच के पहले, ये लंच के बाद, बराबर ऐसे ही दवाइयाँ दी जाती है। तो एक डॉक्टर मेरे मित्र वो बता रहे थे कि जो लंच के बाद वाली जो गोली है वो लंच के बाद आप एक घंटे में ले सकते हैं, डेढ़ घंटे में ले सकते हैं, कभी भी ली जा सकती है लंच के पश्चात। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया है लंच, कई बार लोग भूल जाते थे ये दवाइयाँ लेना, तो लंच ट्रिगर पॉइंट बन गया, मतलब खाना खाने के बाद दवाई लेना है तो आदत लग जाती है। तो वो आदत डालने के लिए खाने के बाद दवाई लो ऐसी प्रथा शुरू हुई। तो
कितना ये मतलब एक विज्ञान है एक दृष्टिकोण से नई आदत डालना, क्योंकि तुरंत आदत नहीं पड़ती गोली खाने की, तो इस प्रकार से जो वो आदत डाली जाती है हमें, तो थिंग्स दैट हैपन टू यू, इस प्रकार से कई सारी घटनाएं होती है उनके साथ हम लोग हमारी आदतें जो है वो लिंक कर सकते हैं। दूसरा है मेक योर हैबिट्स इनक्रेडिबली इजी टू स्टार्ट। शुरुआत करने के लिए बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए हमारी आदत, अतिशय इसे कहते हैं सिंपल, इजी टू स्टार्ट, सो इजी स्टार्ट विथ समथिंग, सो इजी यू कांट से नो टू इट, उसे नहीं बोल ही नहीं सकते आप। ऐसा शुरुआत करो, दिन में 5 मिनट पढ़ाई करना है, 1440 मिनट होते हैं हमारे पास, कितने 1440, 5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं नहीं बोलेगा, शुरू करो। कई बार इस्कॉन में आने से पहले भक्तों को 16 माला करना बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, डिफिकल्ट। आप उन्हें कहो कि केवल एक मंत्र करो, एक मंत्र पॉसिबल है, फिर माइलों का सिद्धांत दे देने का। एक मंत्र है, क्या था 3 सिद्धांत माइलों के, स्टार्ट स्मॉल एवरीडे, स्मॉल इंक्रीमेंट्स, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अपने आप कुछ समय पश्चात जो है वो आगे गाड़ी चले जाएगी। और इसे हम लोग ऐसे इनक्रेडिबली स्मॉल नहीं बोल ही नहीं सकते, इसलिए क्या करने का, मैंने एक पढ़ाई रीडिंग की आदत कैसे डाली थी, एक रिसर्च किया गया है, आप लोगों को पता है नहीं, पता नहीं मुझे, उसके स्टैटिस्टिक्स अभी भी वैरिड है, लोग कुछ लोग कहते हैं अलग फिगर, कुछ लोग की अलग फिगर है। आयुष्य भर में एक व्यक्ति 1 से 1.5 साल वेटिंग लाइन में गुजारता है, आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे, 1 से 1.5 साल हमारा वेटिंग में चला जाता है। कौन कौन से वेटिंग होंगे, डॉक्टर के पास वेटिंग, स्टोर्स में वेटिंग, गाड़ी के लिए वेटिंग, बस के लिए वेटिंग, बिल भरने के लिए वेटिंग, रेलवे रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर पे वेटिंग, हाँ और कौन सा, एटीएम लाइन में वेटिंग, बैंक में पैसा डालने के लिए निकालने के लिए वेटिंग, पेट्रोल पंप पे वेटिंग, होटल में खाने के लिए ऑर्डर दिया अब तक वेटिंग, तो इतने सारे वेटिंग। एक व्यक्ति जब मैं एक सेमिनार का, उसने कहा कि मैं ये सब काम करने के लिए मेरे पास नौकर है, बड़ा आदमी था। मैंने उनको केवल एक प्रश्न पूछा, आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, उन्होंने कहा करता हूँ, मतलब चेक इन टाइम 1 घंटा पहले करना होता है आपको फ्लाइट के लिए, तो आप फ्लाइट के लिए 1 घंटा वेट करते हैं, कितने फ्लाइट अभी तक लिए होंगे, तो इतना घंटा यदि हम जोड़ दें तो केवल उस वेटिंग टाइम को भी हम लोग यूटिलाइज करना शुरू करें, तो हमारे भक्त क्या करते हैं, कुछ भक्तों की आदत मैंने देखी है, एक बुक हमेशा साथ में रखते हैं और उसे केवल वेटिंग टाइम में पढ़ने का। आपको यदि ये स्टैटिस्टिक पे भरोसा नहीं है तो आप शुरू कीजिए, प्रभुपाद का एक छोटा सा किताब लीजिए, उसे साथ में रखिए और उसे केवल वेटिंग टाइम में ही पढ़ना है। मैं आपको मेरा शेयर करना चाहूँगा एक्सपेरिमेंट, हमारे वृंदावन प्रभु है, उन्होंने एक किताब लिखी है संत तुकाराम, आप लोग जानते होंगे, बहुत सुंदर किताब है, तुकाराम महाराज के जीवन चरित्र के ऊपर। मैंने वो किताब रखी थी केवल वेटिंग टाइम में पढ़ने के लिए, कहीं जा रहे डॉक्टर के पास वेटिंग, कहीं पर भी वेटिंग, हमको भी बहुत वेटिंग करना पड़ता है, कई बड़े व्यक्ति को मिलने गए तो सबसे ज़्यादा वेटिंग होता है, आपको भी अनुभव होगा। हम लोग मेरा बुक लॉन्च के लिए मंत्रालय में गए थे, 3 घंटा वेटिंग था। तो जितना वेटिंग टाइम मिलता है उसमें लोग खास करके सोशल मीडिया में एडिक्ट हो जाते हैं, या कुछ बोरिंग पीरियड होता है, वेटिंग सबसे ज़्यादा बोरिंग पीरियड होता है, तो उसमें आप वो किताब खोलिए। मैंने 1.5 महीने में वो किताब पूरी की, मतलब 1.5 महीने के अंदर इतना वेटिंग टाइम मिल गया। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि ऐसा आप शुरू करो, आदत को डालो हमारे इसमें, कि नहीं बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, नहीं बोलेंगे नहीं, इतना इजी है कि नहीं बोल नहीं सकते, है कि नहीं। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ, प्रवास, प्रवास हम लोग सब लोग करते हैं, प्रवास का अलग स्टैटिस्टिक्स है, प्रवास में कितने साल व्यक्ति जीवन के गंवाता है उसका अलग स्टैटिस्टिक्स है, एवरेज, एवरेज यदि निकाला जाए तो लगभग 6 साल व्यक्ति प्रवास में गुजारता है, हमारी लाइफ के 6 साल। तो प्रवास में भी हम लोग जो है वो कुछ कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जब मैं HL में जॉब करता था, मैंने 5 साल HL में जॉब किया, यहाँ से बस से जाते थे और बस से आते थे, कंपनी का बस लेने के लिए आता है
छोड़ता है। तो यहाँ से 35 to 40 minutes लगता है जाने के लिए। तो आते समय तो सब लोग थके हुए रहते, सब सो जाते हैं, लेकिन जाते वक्त जो है वो मैंने हैबिट डाली थी कि जैसे ही बस में बैठे किताब खोली, तो राधेश्याम प्रभु द्वारा लिखी गई सब किताबें मैंने केवल जर्नी में पढ़ी है, जाते वक्त केवल जाते वक्त। तो इस प्रकार से जो है वो ऐसी हम लोग छोटी छोटी आदतों को ढूंढ सकते हैं, डाल सकते हैं। हमारे पास समय की कमी नहीं है, समय है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है वो हमें सीखना है। तो कई बार होता है कि हम लोग आदत तो डाल लेते हैं, समझो डाल ली कुछ, मैं रोज प्रभुपाद के किताब के 10 पेज पढ़ूंगा, आदत डाल ली। व्हाट इफ आई स्लीप, ऐसा कुछ दिन आएगा कि मुझसे नहीं होगा, हो सकता है ना, किसी का देहांत तो हो गया, या मैं खुद बीमार हो गया, या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ऐसे आ गई, तो ऐसा हो सकता है। तो स्लिप हो गई तो क्या बात है, भूमौ स्खलितपादानां नाम भूमि रेवा अवलंबनम, जमीन के ऊपर गिर जाते, जमीन का ही आधार लेके उठते हैं हम लोग, है ना। तो उसी प्रकार से कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, करते करते स्लिप हो गए, तो हमें वहीं पे नहीं बैठे रहना है, वापस उठ के प्रवास प्रारंभ करना है। तो सफल और असफल लोगों में केवल ये अंतर है, क्या अंतर है कि सफल लोग भी ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं करते, या वो भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होते, होते हैं वो, लेकिन पुनः वापस अपने ट्रैक पर जो है वो आ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ सूत्र है, दीज स्ट्रैटेजीज कैन हेल्प, ये सूत्र का हम लोग पालन कर सकते हैं हमारे जीवन में। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है, पुट योर हैबिट्स ऑन योर कैलेंडर। हमारे जो भी आदतें हैं अच्छी जो हम डालना चाहते हैं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो जगह और समय हम उन्हें प्रदान करें। कि यदि मैं ऐसा सोचा हूँ कि मुझे 10 पेज पढ़ने हैं प्रभुपाद के किताब के, तो उसे समय दे दो कि सोमवार को सुबह 9 बजे मैं पढ़ाई करूँगा। हमारे जैसा भी स्केड्यूल है उस हिसाब से हम लोग उसे निर्धारित समय हमारे जीवन का दे सकते हैं। और हर एक को पता है कि मुझे समय कब मिलने वाला है, उस हिसाब से हम लोग उस समय में उस हैबिट को डाल सकते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं वो दो प्रकार से हो सकता है, एक है बेस्ड ऑन मोटिवेशन, मुझे प्रेरणा मिली और मैंने कुछ कार्य किया, प्रेरणा मिलती है हमें, हम तुरंत उस प्रेरणा के आधार पे कुछ कार्य कर देते हैं। आपको प्रेरणा मिली होगी माइलो से, कुछ कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना, ये जो प्रेरणा है, खास करके इसके बारे में बताया जाता है, ये मोटिवेशन कभी रहता कभी नहीं रहता है, हर बार रहेगा इसकी गारंटी है। आज जो चीज हमें मोटिवेट कर रही है, प्रेरणा दे रही है, वो कल करेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, हमें मोटिवेशन के बदले में स्केड्यूल बेस्ड हैबिट्स डालना है। प्रेरणा मिले नहीं मिले, ये स्केड्यूल है मेरी नई आदत का। उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा, मुझे एक आदत कहे या हॉबी को क्या कहेंगे, शौक, छंद, छंद अलग है और हैबिट अलग है। हाँ, छंदों को हैबिट कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। एक छंद था, एक शौक था, जो भी श्लोक नया मिले, पसंद आए, उसे बाय हार्ट कर लेना, उसे याद कर लेना, कुछ अच्छा लगे, वाह, चिता और चिंता के बीच में क्या अंतर है, चिता चिंता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषतः, निर्जीवम दहते चिता सजीवम दहते चिंता, समझ में भी आ गया होगा आपको। चिता और चिंता में केवल बिंदु का अंतर है, बिंदु मात्र विशेषतः, निर्जीवम दहते चिता, निर्जीव व्यक्ति को चिता जलाती है, सजीवम दहते चिंता, और सजीव को चिंता जलाती है। तो ऐसा कुछ प्रेरणा नहीं, श्लोक अच्छा मिल गया उसे याद कर लेना, ये आदत थी। लेकिन मैंने देखा कि साल भर में कितने श्लोक हो रहे थे, जब भी एक आधा श्लोक मिल गया अच्छा, उसे ले लिया, उसे बायहार्ट कर लिया, संतुष्टि मिलती थी, हाँ कुछ अच्छा मिला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसको एक स्केड्यूल दे देते, प्रेरणा के आधार पे तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार प्रेरणा मिलेगी
संभव नहीं है, लेकिन स्केड्यूल डाल दिया तो स्केड्यूल हर बार चलता ही रहता है, हमारा साइकिल चक्रीय है, सोमवार से रविवार घूमता ही रहता है चक्र, तो मैंने उसे चक्र में डाल दिया, हर सोमवार को एक श्लोक मेमोराइज करना है, हर गुरुवार को एक श्लोक मेमोराइज करना है, चक्र में डाल दिया। प्रेरणा मिले नहीं मिले कुछ देखना नहीं है, सोमवार है तो सुबह 9 बजे पहले एक श्लोक याद करना है, गुरुवार है भागवतम के पश्चात जाके एक श्लोक याद करना है, सिंपल है, किया। आज मुझे लगभग 1200 श्लोक याद है, तो केवल मैं क्या बोल रहा हूं कि उसे स्केड्यूल डाल देना है हमें। प्रेरणा के स्तर पर कर रहे थे, थोड़ा बहुत हो रहा था, संतुष्टि भी मिल रही थी, लेकिन यदि हम उसे स्केड्यूल डाल देते तो चीजें और अच्छे से हम लोग जो है वो कर सकते हैं और अच्छे से चीजें हो सकती है। तो ये हो गया। और हम लोग देखते हैं कई सारे आचार्यों का भी उदाहरण देखे, श्रील प्रभुपाद जी को जब प्रेरणा मिलती थी तब वो लिखान करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी की और भक्तिविनोद ठाकुर जी की खास करके यदि हम लोग जीवन चरित्र पढ़े तो संपूर्ण जीवन उनका स्केड्यूल था। भक्तिविनोद ठाकुर जी का वो तो गृहस्थ थे, उनका इतना स्केड्यूल फिक्स था कि मेल्स को रिप्लाई कब करना है उसका टाइम होता था, उनका खाने का पक्का स्केड्यूल है, लिखान कब से कब तक करना है उसका स्केड्यूल है, तो स्केड्यूल लाइफ वो लोग जीवन जीते थे और इसलिए इतना वो लोग जीवन में हासिल कर पाए। तो जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी सफल लोगों के आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में जो है वो स्केड्यूल के आधार पर ही जो है वो जीवन यापन किया है, न कि प्रेरणा के आधार पर। तो ये हो गया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यदि हम देखें, स्टिक टू योर स्केड्यूल्स इवन इन स्मॉल वेज। जैसे हमने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें करने के लिए समय ही नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है, सोमवार का दिन है, ड्रेसिंग भी है, भागवतम भी है, कई जगह प्रसाद के लिए भी जाना है, शयन सेवा भी है, तो इस प्रकार से स्केड्यूल यदि पूरा पैक है नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बताया सूत्र, कुछ तो कर सकते हैं। मेरा 10 पन्ना पढ़ने का व्रत है, नहीं पढ़ पा रहा हूं, आधा पेज तो पढ़ सकते हैं। पूरा श्लोक याद करने का व्रत है, नहीं कर पा रहा हूं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इतना तो बायाट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कुछ तो कर लेने का। कोई लेखक होते हैं, वो उनकी आदत होती है कि इतने वर्ड्स में लिखूंगा, तो यदि 1000 वर्ड्स लिखने का उनका प्रण है, नहीं लिख पा रहे हैं, एक दिन ऐसा आ रहा है, कुछ बात नहीं, 100 वर्ड्स तो लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना चाहिए। कई बार एक्सरसाइज में भी मैंने खास करके ऑब्जर्व किया है, ऐसा होता है, एक्सरसाइज सब लोग अवगत है, करनी चाहिए, सब लोग जानते हैं मानते हैं, करते नहीं वो बात अलग है, क्योंकि समय नहीं होता है, एक बात है। दूसरा है कि मोटिवेशन मिल जाता है तो कर लेते हैं, जैसे समझो आधा मिनट का तय कर लिया हमने कि आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेना है हमें, तो ऐसा कुछ दिन स्केड्यूल हो जाता है कि आधा घंटा नहीं मिलने वाला, तो क्या करना है, थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा हाथ पैर घुमा लिया, 5 मिनट ओमकार या प्राणायाम कर लिया, 10 डिप्स कर लिए, 5 मिनट में हो गया, चल दिए काम पे, तो इससे क्या होगा कि वो आदत टूटती नहीं है, क्योंकि जब ब्रेक लग जाएगा ना तो इतना बड़ा ब्रेक हो जाता है कि आप पूछो मत। मेरे एक मित्र थे, उन्हें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ने के लिए लिया और चैतन्य चरितामृत का आदि लीला उसकी बहुत विशेषता है। क्या होता है, पूरा फिलोसॉफी है, तो उनका एक बार ब्रेक लग गया, उन्होंने भी ऐसी आदत बनाई थी कि मैं दिन में 10 पन्ने पढ़ूंगा, पढ़ते गए आदि लीला थे, एक आदि लीला के 2 वॉल्यूम्स है, उसमें एक वॉल्यूम हो गया, दूसरा वॉल्यूम भी आधा हो गया, ब्रेक लग गया थोड़ा कुछ कारण की वजह से, तो जब ब्रेक लग गया तो वो ब्रेक 1 साल हो गया। फिर बाद में जब पुनः चेतन चरणम खोला तो अरे क्या पढ़ा था वो समझ में नहीं आ रहा, वापस शुरू किया पुनः ब्रेक आ गया, फिर वो ब्रेक वापस बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि यदि ब्रेक लग जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, आपको भी पता होगा ऐसा, जब कभी ब्रेक लग जाता है तो वो ब्रेक बहुत बड़ा हो जाता है, वो ब्रेक फेल ही हो जाता है फिर गाड़ी तो शुरू नहीं हो पाती, कभी इंजन ही बंद हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा एक लाइन एक शब्द कुछ तो जो है वो कर लेना चाहिए। भागवत में ही सत्य कहाँ गया, 12वें स्कंद में भागवत का एक श्लोक भी नहीं पढ़ पा रहे,
आधा आधा श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक नहीं पढ़ पा रहे, एक अक्षर तो पढ़ो, एक अक्षर भी पढ़ने के तो भी फायदा होने वाला है। तो इतना आशादायी जो है वो ये हमारे ग्रंथ आध्यात्मिक, थोड़ा भी कुछ करते हैं तो हमें इसका जो है वो लाभ हो सकता है। तीसरा सूत्र है, हैव समवन हु एक्सपेक्ट्स समथिंग ऑफ यू। ऐसे लोगों को बीच में हमारे साथ में रखना है कि वो हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। मैं श्लोकों का वही उदाहरण देना चाहूंगा। हम जब मेमोराइज कर रहे थे भगवद गीता, जब हमने ली थी, तब कुछ हो जाता था दिन में हासिल तो नहीं हो पाता, तो हम लोग एक दूसरे भक्त थे और सार्वभौम कृष्ण प्रभु और हम लोग एक साथ कर रहे थे, तो मुझे पता है कि उनको मुझे बताना है श्लोक, वो मुझे पूछने वाले, तो फिर करना है। तो ऐसा कोई हो सके तो रहना चाहिए जिसे हम लोग अकाउंटेबल है। सीट बेल्ट हम लोग क्यों पहनते हैं बहुत बार? सेफ्टी के लिए बहुत कम। समवन इज एक्सपेक्टिंग अस टू वियर। पुलिस के लिए ज़्यादा करके हम लोग पहनते हैं क्योंकि पुलिस देखने वाला होता है, इसलिए सीट बेल्ट लगाए जाते हैं। एक सर्वे किया था अमेरिका में सीट बेल्ट्स को लेके, तो उन्होंने जो भी लोगों को पूछा, 77% लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग सीट बेल्ट पहन रहे हैं दिखाने के लिए। 77% ऑफ द पीपल। तो जब कोई हमें पूछने वाला होता है तब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो इसलिए अच्छी आदत डालना है तो कोई ऐसे लोग रखो जो हमें पूछे कि क्या हुआ, तूने ये आदत डाली थी, कितना हो पाया। तो ये एक महत्वपूर्ण है। अगला है, डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। वातावरण इस प्रकार से निर्माण करना है कि हमारी सफलता निश्चित हो जाए। ये अच्छी आदत के लिए भी है और बुरी आदत के लिए भी है। कल्पना कीजिए, बुरी आदत किसी को छोड़नी है, वही पियक्कड़ का एग्जाम्पल आइए हम ले, वो घर से कंपनी जा रहा है या नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऊपर उसका घर है, घर के नीचे बियर बार है, तो एनवायरनमेंट बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है उसके लिए। तो इसके लिए एनवायरनमेंट बदली करना होगा। तो अच्छी आदत के लिए भी जो है उन एनवायरनमेंट का बहुत ही महत्व है। तो यदि ये जो वातावरण है, सब लोग जानते हैं, जब हम मंदिर में आके जप करते हैं एक वातावरण अलग होता है, जब हम कहीं दूसरी जगह जप करते हैं तो हमें चेतना में अंतर तुरंत समझ में आ जाता है कि अंतर है। तो ये वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अच्छी आदत यदि हमें डालनी है तो वातावरण बहुत महत्वपूर्ण घटक है उसमें। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो प्लेट्स है, एक छोटी है एक बड़ी है। इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च छिपा हुआ है। क्या रिसर्च है इसके पीछे? रिसर्च है डेलबॉप इल्यूजन। ये डेलबॉप इल्यूजन क्या है वो एक छोटे से वीडियो से हम लोग समझेंगे इसको, फिर आपको अच्छे। तो डेलबॉप इल्यूजन क्या है, इसके आधार पर ये एक ब्रेन वैंसिंग, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने रिसर्च किया, वो रिसर्च के आधार पे ये वीडियो था। वो रिसर्च क्या बताता है, अ स्टडी फ्रॉम ब्रेन मैंसिंग एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी फाउंड दैट पीपल ईट 22% लेस फूड बाय स्विचिंग फ्रॉम 12-inch डायमीटर प्लेट टू 10-inch डायमीटर प्लेट। यदि किसी को वजन कम करना है तो ये अच्छा रेसिपी है। हमारे ब्रह्मचारी का भी हमने देखा हुआ है कि एक व्यक्ति थे, बड़ी प्लेट लिया तो खिचड़ी इतनी अच्छी होती है कि कंट्रोल नहीं होता, ज़्यादा खा लेते, तो इसलिए छोटा सा एक वाटी ले लिया। फिर हमने, मेरे खुद के पास एक छोटा वाटी है क्योंकि खिचड़ी इतनी अच्छी होती है, यदि नाश्ता नहीं करना है तो बड़ा प्लेट ले लिया तो ज़्यादा खाना होता है, तो इसलिए छोटा सा छोटी सी वाटी रही तो जितना वाटी है उतना ही खा लेंगे। तो ये रिसर्च क्या बताता है कि 22% जो है वो हम लोग कम खाएंगे यदि केवल प्लेट की साइज 2-inch कम है। तो ये क्या सिद्ध करता है कि आदतों को बदली करने में वातावरण का कितना महत्व है, कि केवल प्लेट की साइज यदि हम चेंज करते हैं तो आदत बदलना बहुत आसान है। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या परसीव करता है, वो फूड वीडियो में देखा आपने कि दोनों प्लेट्स में एक जैसा ही फूड था, छोटी प्लेट होने के कारण वो ज़्यादा दिखता है और ब्रेन वो चूज करता है। तो ये डेलबाउ इल्यूजन, इसके आधार पर हम लोग हमारी हैबिट्स को शेप कर सकते हैं
और पांचवा सूत्र है इसमें सस्टेनेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है स्थिरता, लंबे समय तक चीजों को कर पाना। जैसे वो पेंग का उदाहरण देखा हमने, 36 साल तक लगातार वृक्षों की लागवड़ वो करते रहे। तो इसी प्रकार से हमें यदि आगे बढ़ना है, कुछ अच्छी आदतों को डालना है, तो कुछ बड़ा करने से अच्छा है छोटा भी क्यों ना हो लेकिन सस्टेनेबल हो। इसलिए आजकल कॉरपोरेट में टर्म यूज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना करो आप टेनिस खेल रहे हैं, टेनिस खेलना है आपको, खेलने के लिए कोई है नहीं, एक छोटे बच्चे के साथ टेनिस शुरू कर देते हैं। तो छोटे बच्चे के साथ यदि हमने टेनिस खेलना प्रारंभ किया है तो हम एक्सपर्ट है, उसे बार बार हरा देंगे, हम लोग ही जीत जाएंगे, हर बार वही होगा। तो ये हो गया बोरिंग फेज, क्योंकि हम लोग ही जीत रहे, उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसका दूसरा एग्जाम्पल है सीरेना विलियम्स के साथ हम लोग खेल रहे, उसमें फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट है, हमें कुछ नहीं आता है उनके सामने। तो ये दो एक्सट्रीम्स है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोग बोर हो रहे हैं और दूसरा क्षेत्र है जिसमें हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए इसका मध्य कुछ चाहिए, मतलब हमारा इक्वल होना चाहिए जिसके साथ हम लोग खेल सकते हैं, चैलेंज। उसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल। ये गोल्डीलॉक्स रूल क्या है, ये गोल्डीलॉक्स रूल में जो नीचे का क्षेत्र है वो छोटे बच्चे के साथ खेलने जैसा है, बोर्डम, बोर हो जाएंगे क्योंकि हमेशा हम ही जीत रहे, वो हार रहा है। और दूसरा है फेल्योर या फ्रस्ट्रेशन, सेरेना विलियम्स के साथ खेलने के जैसा है, वो हमेशा जीत रहे हम हमेशा हार रहे। उसके बीच में जो है वो गोल्डीलॉक जोन है, यहाँ पर यदि हम खेलते हैं हमारे इक्वल के साथ तो थोड़ा चैलेंज बनाया रहेगा, खेलने में आनंद आएगा। तो ये गोल्डीलॉक रूल क्या बताता है, दिस रूल स्टेट्स दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस पीक मोटिवेशन व्हेन वर्किंग ऑन टास्क दैट आर राइट ऑन द एज ऑफ देयर करंट एबिलिटीज, नॉट टू हार्ड नॉट टू इजी जस्ट राइट। उतना ही तपस्या करना है जितना हम लोग कर सकते हैं, उतना ही बढ़ाना है जितना हम लोग बढ़ा सकते हैं, उतना ही खींचना है जितना हम लोग खींच सकते हैं, न कम ना ज्यादा। तो बहुत कम भी कर लेते हैं तो बोर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ले लेते तो फेल्योर आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे। और ये जो सिद्धांत हम लोग सीख रहे हैं ये एक व्यक्ति के लिए लागू होते हैं, एक समाज के लिए लागू होते हैं, कॉरपोरेट्स के लिए लागू होते हैं। और इसका उदाहरण ये गोल्डीलॉक प्रिंसिपल, एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पालन किया उनका एक उदाहरण मैं शेयर करना चाहूंगा, आप भी जानते होंगे। साउथ वेस्ट एयरलाइंस अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, 1996 में इनके सामने एक विपरीत समस्या आके खड़ी हो गई। साउथ वेस्ट एयरलाइंस के सामने 1996 में समस्या यह थी कि वो फ्लरिश हो रहे थे, 100 जगह से आवेदन आ रहे थे कि यहाँ पे आपका एयरपोर्ट, यहाँ पे आपका सेंटर होना चाहिए। और उस समय अमेरिका की सभी एयरलाइंस बैंकरप्ट चल रही थी और यही एयरलाइंस फ्लरिश हो रही थी। और ये एयरलाइंस का फ्लरिश होने का कारण क्या था ये पूछ सकते सब लोग। तो उनका कारण यह था कि उन्होंने केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, न कम न ज्यादा। तो उन्हें ज्यादा करने की ऑफर थी लेकिन उन्होंने 100 जगह नहीं करने के बजाय केवल 4 जगह उन्होंने शुरू किया, केवल 4 जगह उन्होंने शुरू किया। क्यों, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल्स है, ये विश्व में ये एयरलाइंस आज भी प्रसिद्ध है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करते हैं कस्टमर्स को। और इसलिए इनका भी आज का स्टैटिस्टिक्स यदि इनका देखना है साउथ वेस्ट एयरलाइंस का, 3400 फ्लाइट्स एवरी डे। 2017 का उनका ईयरली रेवेन्यू था $21 बिलियन, आज उनके यहाँ पे 45,000 एम्प्लॉयज है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एयरलाइंस इन यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज इट्स लो कॉस्ट, सेफ्टी एंड कस्टमर केयर ओरिएंटेशन।
केवल कस्टमर की ओर ध्यान देना है, हमें सस्टेनेबल चलना है, हमें बहुत ज्यादा लोड डाल लेना नहीं हमारे ऊपर। तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस हद तक कि एक व्यक्ति था 2017 में अमेरिका में एक सूर्य ग्रहण दिखने वाला था, बहुत कई सैकड़ों सालों बाद वो सूर्य ग्रहण दिखने वाला था और एक फोटोग्राफर थे जिन्हें वो फोटो खींचना था एरोप्लेन में जाके। तो एक व्यक्ति था उसने फिर जो फोटोग्राफर ने अलग अलग एयरलाइंस के देखे कि सूर्य ग्रहण का टाइम क्या होने वाला है और कौन सी एयरलाइंस उस समय वहां से जाएगी, तो उसने सब बुकिंग करने का प्रयास किया, कुछ होने रहा था। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचा, साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उसने देखा कि एक जाने वाला है। तो एक वीडियो है छोटा क्लिप, उसमें वो जो फोटोग्राफर है वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि एयरलाइंस ने क्या किया। As a photographer, I've never taken on a project this complex, taken hundreds of hours of work. With my photography, a lot of it is very technical because I do what's called a photo mosaic. You have to take hundreds of photos, stitch them all together so that it can be blown up and it's crystal clear and sharp. I love larger than life art where you just go, wow. I've been spending the entire last 11 months, my whole life has just been focused on this image. This was the most photographed moment in history. It's a photo of the Great American Eclipse, as it's being called, from 39,000 feet in a Southwest Airlines flight. It was one of the most beautiful things I've ever witnessed. It moves people, it changes you. Whether you know it or not, subconsciously, if you witness totality, not a partial eclipse, when you're at 100% of a total eclipse, the entire day sky turns to night. When they heard my story, the fact that I flew across the country to be on this flight spontaneously, and I had group C, seat 18, and I really needed a window seat, and I told them like how much this means to me, and I showed them my photography, and within 30 seconds of hearing my story, for them to say, okay, come with us, introduce me to the entire flight crew, we gotta help him get his shot. Everybody teamed up immediately, these random strangers on this flight. It was truly incredible, especially the captain. I mean, the captain going outside of the plane, washing my window for me from the outside of the plane, and the captain doing five 180 degree turns in totality to help me get the shot. It was just one of the coolest experiences of my life. This is just a perfect organic example of what a Southwest flight crew is like. They just made it as fun as possible for all the passengers and did everything that they could to help me achieve my photo. And they changed my life. से उन्होंने बताया, उन्होंने एग्री कर लिया, विंडो सीट उन्हें चाहिए थी वो भी दी, केवल विंडो सीट नहीं दी, उस जो प्लेन का कैप्टन थे उन्होंने वो विंडो साफ किया बाहर से पानी से उनके लिए, और जहाँ से उनको जो वो मोमेंट वो क्रिशेंडो पॉइंट बोलते हैं वहाँ पे फोटो खींचनी थी, उनका और भी इंटरव्यू बड़ा है, एक मिनट में उन्होंने 1200 फोटो खींची, हो गए कि 5 बार उनको एयरक्राफ्ट 180 डिग्री टर्न करना था और उन्होंने किया केवल एक पैसेंजर के लिए, उसे फोटो खींचनी थी उसकी इसलिए। और ये इतने बड़े फोटोग्राफर थे एक्चुअली कि ट्विटर के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ट्विटर बड़े बड़े कंपनीज इनके फोटोज़ जो है वो यूज़ करते हैं, ऐसे फोटोग्राफर। तो कहने का तात्पर्य है कि उस कंपनी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है, न कि बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बढ़ाना नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए ये एक ग्राफ है सस्टेनेबिलिटी वर्सेस एफर्ट्स का, सस्टेनेबिलिटी वर्सेस एफर्ट्स, ए पॉइंट है लेजीनेस और बी पॉइंट है बर्नआउट। जब मैं कहूंगा आपको केवल एक महामंत्र करना है, कितना, एक महामंत्र करना है, तो एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे और सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, वो होगा पॉइंट ए। कुछ एफर्ट्स नहीं है, ज्यादा प्रयास नहीं है और सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लंबे समय तक एक मंत्र हम लोग कर सकते हैं। यदि मैं कहूं कि आपको 192 राउंड्स करने हैं हरे कृष्ण महामंत्र के, तो एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे, बी सस्टेनेबिलिटी भी कम है, ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों का जो मध्य है उसे कहते हैं जोन ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लंबे समय का घोड़ा जिसे हम कहते हैं ना, इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने दोनों का मध्य निकल के 16 माला हमें दी हुई है। तो 16 माला क्यों, उसका यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उसका ये जवाब दे सकते हैं हम लोग।
तो ग्राफ ऑफ सस्टेनेबिलिटी वर्सेस एफर्ट्स जब हम देखते हैं तो उसका जो मध्य है इसी में हमें जो है वो हमारा ग्रोथ करना है। और जब हम इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों का हमारे जीवन में पालन करना शुरू करते हैं तो इसका लंबा इफर्ट सस्टेनेबल हमें मिल सकता है। इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण, हमारे भक्त है जिन्होंने इसका जीवन में कुछ पालन किया है, हमारा चर्चा हुआ था कुछ साल पूर्व, तो आज केस स्टडी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आशवाद हड़कुंडे प्रभु। माइक एक दो मिनट में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ केवल। हरे कृष्णा, एक थोड़ा सा फ्लॅशबॅक मध्ये जातोय। 3 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे की मी माझा एक थोडासा दुःख कृष्णधन प्रभूंचा व्यक्त करत होतो। प्रभू, मी भागवतमचा सेट घेतलाय पण आता एवढे सगळे 18 बुक्स कधी वाचणार वाटले, मला असं वाटतं की आता हे पूर्ण आयुष्यच जाईल माझ्याकडनं। कारण माझी अगोदर वाचण्याची जी सवय होती त्याच्यामध्ये सस्टेनेबिलिटी नव्हती, कधी 2 पानं, कधी 2 महिने गॅप, कधी 4 पानं, कधी 4 तास, बरेच काही चढ उतार होते। तर मी हे प्रभूजींबरोबर शेअर केलं की बाबा प्रभूजी हे असं चाललंय, काय केलं पाहिजे? प्रभूजी म्हणे काही हरकत नाही, तुम्ही रोज 1 पान वाचा। 1 पान जमेल? म्हटलं हो अगदी जमेल। आणि 1 पान वाचायला सुरुवात केली, आनंद मिळायला लागला, काही हरकत नाही, म्हटलं करत जाऊ करत जाऊ करत जाऊ। आणि करता करता आता 3 वर्षात जर बघितलं तर माझा आता 7वा स्कंद चालू आहे। आणि त्याच्या अगोदर माझे प्रभुपादांचे जेवढे काही स्मॉल्स बुक होते ते झाले, भक्तिशास्त्रीचे एक्झामचे 4 बुक्स झाले, काही श्लोका पाठांतर पण झालं। आणि आता संध्याकाळी जेव्हा प्रभूजी विचारत, 3 वर्षात साधारणतः किती झाले असतील पानं? म्हटलं साधारणतः 7,500 पानं झाले असतील म्हटलं। तर हा छोटासा जो बदल आहे, प्रभूजींनी आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने हा सिद्धांत आपल्या समोर ठेवलेला आहे, तर हा छोटा बदल जर केला ना तर अचीवमेंट खूप चांगली होते। याचं अजून एक मी एक छोटंसं उदाहरण देतो या डिसेंबर महिन्यातल्या बुक डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीत। एक माझे कस्टमर आहे अंबड MIDC मध्ये, मी त्यांच्याकडे गेलो होतो, म्हटलं असे आमच्याकडे बुक्स आहेत सवलतीच्या दरात आहे। म्हणे काय दाखव? म्हटलं भगवद्गीता आणि कृष्णा दाखवलं। ते म्हणे कृष्ण काही मी फारसं काही बघितलं नाही पण भगवद्गीता ठीक आहे म्हणे, पण माझ्याकडे कोण वाचणार म्हणे, आणि काय आपण देऊन काय उपयोग होत नाही म्हणे, लोक वाचतात नाही वाचत ते ठेवून देतात। म्हटलं नाही, असा विचार आपण नाही केला पाहिजे, आपण पुढाकार घेतला पाहिजे, दिलं पाहिजे। आपण जर पुढाकार नाही घेतला तर हे ज्ञान त्यांच्यापर्यंत कसं काय पोचतं? ते म्हणे मग माझ्या एकट्याने काय होईल? तसं असाच एक मागे मी प्रभूजींचा एक छोटासा सेमिनार ऐकला होता, जो आज प्रभूजींनी 1:365=1 मला ते बरोबर तिथे आठवलं। म्हटलं बघा 1:365 किती होतं? म्हणे 1। म्हटलं 1.01:365 किती होईल? आणि माहिती नाही। म्हटलं आणा सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर करून बघा। त्यांनी करून बघितलं, अरे एवढा फरक! म्हटलं बघा 0.1 ने एवढा फरक पडतो, तुम्ही एक भगवद्गीता दिली तर किती फरक पडेल? तर त्यांचा हा प्रश्न होता की मी एकट्याने केलं तर काय होणार। आणि नंतर मग त्यांनी लिस्ट काढली, आमचं डिस्कशन चालू होतं, आणि लगेच त्यांनी मला व्हॉट्सअपवरती इमिजिएटली आमच्या डिस्कशनमध्ये सांगितलं की मला 47 बुक्स पाहिजेले। तर हा 0.1चा जो डिफरन्स आहे ना हा फार महत्त्वाचा आहे। तर मी प्रत्येकाला इथे बसलेल्यांना सगळ्यांना नम्र विनंती करतो आणि आवाहन करतो की तुम्ही जे प्रभुपादांचे बुक्स घेतले आहेत तर ते जर जसेच्या तसे असतील तर त्याच्यावरची धूळ झटका आणि उद्यापासून कशाला, आजपासूनच 1 पान वाचायला सुरुवात कर। हरे कृष्ण। तो ऐसे कई सारे केस स्टडीज है जो भक्त हम लोग पर्सनल इंटरेक्शन जैसे होता है, कई सारे भक्त जो इन्होंने रीडिंग में काफी इम्प्रूवमेंट किए, बहुत बहुत बहुत। और ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इतना पढ़ते, आप कहेंगे तो आप तो है, आपको कुछ करने के लिए नहीं, आप पढ़ते रहते होंगे। कितने सारे गृहस्थ ऐसे भक्त है, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। हमारे कातोरे प्रभु है, आनंद मुकुंद प्रभु है, साधु जीवन प्रभु है, विष्णु सेवा प्रभु। उन्होंने मुझे एक सिद्धांत एक स्टोरी बताई थी, वो हर रोज एक पेज ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी। सोने से पहले उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है, रिमाइंडर, रात को सोना है तो पहले ट्रांसलेट करना है। उन्होंने 4-5 किताबें पूरी ट्रांसलेट कर दी है इंग्लिश टू मराठी, मराठी वाचकों के लिए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जो भी हम चीज़ें करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। और लास्ट में हम लोग लेना चाहेंगे कि जो भी आदतें हम लोग डालते हैं उनके 4 लेवल्स होते हैं, 4 स्टेजेस ऑफ कल्टिवेटिंग हैबिट्स। ये 4 स्तर से हर एक आदत जाती है। सबसे पहला है अचेत अक्षम, सचेत अक्षम, सचेत सक्षम, अचेत सक्षम। ये शब्दों का खिलवाड़ नहीं है।
तो इसको यदि समझना है तो हम लोग एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। छोटा बच्चा है, साइकिल चलाना सीखने वाला है, हर कोई साइकिल चलाता है, हमें पता है। तो जब पहला स्तर होता है अचेत अक्षम, इसका अर्थ है कि चलाने के बारे में अचेत है और चलाने में अक्षम है। अचेत मतलब जानना नहीं है और अक्षम मतलब कर नहीं पाता है। तो जानता भी नहीं है और कर भी नहीं पा रहा है, ये हो गया अचेत अक्षम। उसके पश्चात फिर कोई उसे सिखाना प्रारंभ करता है, वो हो जाता है सचेत अक्षम। सचेत मतलब वो जान गया अभी कैसी चलाना है लेकिन चला नहीं पा रहा है। चलाने के बारे में सचेत लेकिन चलाने में अक्षम, ये है सचेत अक्षम। तीसरा स्तर है सचेत सक्षम, मतलब जानना कि जान भी गया है कि कैसे चलानी है और वो चला भी पा रहा है, यह है सचेत सक्षम। फिर अच्छे से चलाता है, फिर कंपटीशन में भाग भी लेगा और अच्छे से आगे भी उसकी प्रगति होगी। और इसके आगे का चौथा स्तर है अचेत सक्षम। अचेत मतलब वो जान नहीं रहा है मैं चला रहा हूं, लेकिन बिल्कुल इतना अच्छे से चला रहा है कि हाथ भी छोड़ देता है हैंडल के। चलाने के बारे में अचेत लेकिन चलाने में सक्षम। यदि हम लोग जप का उदाहरण ले चार स्तर पे, सबसे पहला अचेत अक्षम, करना चाहिए ये भी नहीं जानते, करते भी नहीं है, ये पहला स्तर है, वो भी स्तर है अचेत अक्षम। उसके बाद है सचेत अक्षम, जानते हैं करना चाहिए लेकिन करते नहीं है। तीसरा स्तर है सचेत सक्षम, जानते भी है करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और करते भी है। और उसके ऊंचा स्तर है अचेत सक्षम, ऐसा करते हैं कि जानते भी नहीं है मैं क्या कर रहा हूं और हमेशा जप ही करते रहते हैं। इसे कहते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो, मतलब व्यक्ति फ्लो में इस प्रकार से चलता रहता है, वो है शुद्ध भक्ति का लक्षण। अभी और एक केस स्टडी छोटी सी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो हम लोग छोटे से बदलाव आदतों के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे एक विद्यार्थी है चिन्मय प्रभु, दिखने में आपको छोटे लग रहे होंगे। चिन्मय चांडक जी हमारे जो चांडक प्रभु है उनके भाई के लड़का है और केकेवाग इंजीनियरिंग कॉलेज में वो केमिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। तो उनका जीवन का एक छोटा सा अनुभव वो शेयर करना चाहेंगे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि पहले मैं यहाँ पे रहता था मेरे चाचा जी के पास, 11th 12th में करता था। तो मेरा कॉलेज था बिटको कॉलेज, आई वॉज लिविंग नियर द टेम्पल, बट मेरी जो आदतें थी वो बहुत ख़राब थी, जैसे कि प्रभु जी ने बताया सुबह उठने की आदत। सो आई वॉज डेली वेकिंग अप एट 8 o'clock और 9 o'clock, उसके पहले मैं उठ भी नहीं पाता था। बट फिर मेरा 12th हो गया और फिर मैं प्रभु जी को पूछा कि अभी आगे क्या करना है। तो प्रभु जी ने बोला देखो जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी तुमको करना है कॉलेज में अगर एडमिशन मिलता है तो आसपास के कोई भी बेस पे आप रह सकते हैं। और प्रभु जी ने बोला अपना वृंदावन बेस भी है तो उधर भी आप आ सकते हैं अगर आपको केकेवाग में एडमिशन मिला तो भगवान की कृपा से और जो भी बोलते मेरे मेहनत से और दोनों से मेरे को योगा योग से केकेवाग कॉलेज मिल गया। तो फिर सबसे पहले मैंने ये इंक्वायरी किया कि बेस पे जगह है क्या, तो अब मैं जाके केकेवाग कॉलेज लूँगा। तो फिर इस तरह से मेरी बेस में मतलब जगह मिल गई और वहाँ पे जो मैं आज हूँ तो आई डेली गेट अप एट 4 o'clock और 4:30, उसके बाद में मैं चाहूँ तो भी नहीं सो सकता। और सेकंड एक चीज़ है जो मैं एक शेयर करना चाहता हूँ मेरे राइटिंग के बारे में। तो मैं 12th तक था तो मैं मेरे पेपर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो प्रभु जी का एक बुक था जो मेरे को 12th के बाद मिला, स्टूडेंट सक्सेस हैंडबुक, तो उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना शुरू किया। तो मेरे इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हमको दो टाइप के एग्ज़ाम्स रहते थे, एक थे न्यूमेरिकल मतलब MCQ टाइप का और दूसरा था रिटर्न पेपर। तो MCQ टाइप में मेरा बहुत हाई स्कोर जाता था पर न्यूमेरिकल्स में मैं पूरे क्लास के पीछे रहता था मतलब पेपर लिखने के बारे में। बट जैसे मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मैं
हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की बात करो कि जब हमको पूरे के पूरे पेपर लिखने पड़ते थे और एमसीक्यू नहीं रहते थे, फिर भी मेरा स्कोर बरकरार रहा। तो फर्स्ट ईयर में 63% था, वो लास्ट ईयर में 80% तक चला गया। सो थैंक यू प्रभु फॉर वंडरफुल। तो ऐसे प्रैक्टिकल केस स्टडीज काफ़ी सारे हैं। ये तो केवल हमारे दो भक्त यहाँ पर आए, आप लोगों में से भी कई लोग हुए जिन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन में पालन किया हुआ है, और मैं भी इसका केस स्टडी हूँ। तो ये अभी उठने के बारे में ये स्तर पे चले गए, सोना चाहो तो भी नहीं सो सकता। तो इसे कहते हैं अचेत सक्षम। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि द बेस्ट वे टू अकम्प्लिश योर गोल इज नॉट ओनली टू से इट इन ड्रीम्स बट ब्रिंगिंग इट इन डीड्स। अपने कृति में लाना है, केवल सपने में नहीं देखना है। तो जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, यदि पढ़ाई करने का भी उदाहरण ले, तो मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था, केवल 20 पेज यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है। हमारे शिवांग प्रभु एकदम कैलकुलेशन में एक्सपर्ट है, प्रभुपाद के किताबों के बारे में उनके पास एक ऐप है। आप बोलो कितने पेज, कौन सा किताब आपको कब खत्म करना है, वो बता देंगे आपको कितने पेज आपको डेली पढ़ना चाहिए। या आप उनको बताओ डेली मेरे को 5 पेज होंगे, कितना समय लगेगा पढ़ने के लिए, रोज पढ़ेंगे तो वो भी बता देंगे आपको। तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, यदि हर रोज कोई व्यक्ति केवल 20 पन्ने पढ़ता है तो 1 साल के अंदर उसका चैतन्य चरितामृत कंप्लीट हो जाता है, और 20 पेज पढ़ने के लिए केवल आधा से पौना घंटा लगता है। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग, और एक मैंने कैलकुलेशन किया था, 250 पेज की एवरेज किताब होती है, 250 पेज यदि उसमें है, केवल 20 पन्ना पढ़ते आधा घंटा निकाल सकते हैं हम लोग। 1440 में से 40 मिनट निकालो, 1400 छोड़ दो, केवल 40 मिनट भी निकाले, उस समय यदि हम लोग कुछ पढ़ाई करें, कुछ अध्ययन करें किताबों का, तो क्या होगा, 250 पेज वाली किताब जो है वो डिवाइड बाय यदि 20 पन्ने भी पढ़ते हैं तो 12.5 दिन में हो जानी चाहिए। तो 15 दिन में हो गई एक किताब लेटेस्ट से, 30 दिन में दो, 1 साल में लगभग 25 किताबें हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग बच्चों को जैसे ही जब पिकनिक के लिए लेके जाते हैं बाहर, होली टूर पे लेके जाते हैं, तो 2 साल पहले हम लोग रामेश्वरम में गए थे, तब उनको हम लोग अब्दुल कलाम जी के घर पे लेके गए थे। आप लोग जानते हैं अब्दुल कलाम जी का घर रामेश्वरम में है, वो रामेश्वर से थे। अब्दुल कलाम जी के 700 श्लोक गीता के 62 थे, ये उनके निजी सहकारी, उनके साथ काम करते वाले जो ओम प्रकाश कुलकर्णी वैज्ञानिक है, उनके साथ जब मैं चर्चा कर रहा था वो बता रहे थे। तो अब्दुल कलाम जी के घर जब हम गए, तो उनका घर मतलब ऐसा साधारण घर नहीं, अभी क्या है वहाँ पे केवल लाइब्रेरी है। उन्होंने अपने जीवन में 25,000 किताबें पढ़ी, कांट इवन थिंक ऑफ 25,000। और उनका बुक्स घर क्या है, वो घर मतलब घर है नहीं, केवल लाइब्रेरी है। उसमें हमें प्रभुपाद जी की भगवद्गीता एज इट इज मिली, महाभारत मिला, रामायण मिला, संपूर्ण श्रीमद् भागवतम हमें वहाँ पर मिला। तो ये सब किताबों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था अपने जीवन में। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि छोटा सा यदि हम लोग कुछ कृति में अपना ले, थोड़ा भी चीज़ हम लोग तय कर ले और उसे आगे लेके जाए धीरे धीरे, तो आगे जाके उसको बहुत बड़ा परिणाम जो है वो हमें मिल सकता है। तो इसलिए आइए हम इस नए साल में अपने अच्छे विचार जो भी अर्जित किए हुए हैं उसको कृति के साथ जोड़ दे और हमारा जीवन जो है वो सफल बनाए। इसलिए कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि If we keep doing what we have always done, we will keep getting what we have always got. जो करते गए हैं उससे जो मिला है वो करते जाएंगे तो वही मिलेगा, लेकिन उससे यदि कुछ और चाहिए तो हमें क्या करना होगा, Let us not do different things, but do things differently this year in order to bring about a positive change in your life. Thank you very much. Hare Krishna. तो आप भी थोड़ा सा यापन कर सकते हैं, आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे आशीर्वाद देते रहिए, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो क्षमा कर दीजिए। और आप भी जो है 1 साल बाद यदि हम लोग ऐसा प्रवचन ले तो आप में से किसी को मैं केस स्टडी के लिए बुलाऊं, इस प्रकार से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।